जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में। आज हम जानने वाले हैं कि सपने में दादी के साथ खेलना कैसा होता है। दोस्तों, शायद ही कोई इंसान होगा जिसने अपनी दादी की गोद में नहीं खेला होगा। माँ के बाद हमारी दूसरी बड़ी माँ हमारी दादी होती है, क्योंकि हमारे पैदा होने की सबसे बड़ी खुशी हमारी दादी को होती है। एक बच्चा माँ के बाद अपनी दादी के सबसे करीब रहता है। दादी हमारे लिए प्यार, प्रेम और आदर्श होती है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 90 दशक के पहले बच्चे थे, उन सभी को दादी का प्यार निश्चित ही नसीब हुआ था, क्योंकि उस समय ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी और बच्चे अपना ज्यादा से ज्यादा समय दादा दादी के साथ ही बिताया करते थे। लेकिन आजकल लगातार एकल परिवार होता जा रहा है और लोग भौतिकतावादी होते जा रहे हैं। बच्चे दादी जी के पास बैठना पसंद नहीं करते। आज के बच्चे दादा दादी के पास बैठने के स्थान पर टेलीविजन और मोबाइल के पास बैठने लगे हैं। इसके कारण उनको आज की दुनिया का नॉलेज तो हो जाता है, लेकिन संस्कारों से वंचित रह जाते हैं। सॉरी दोस्तों, हम बात कर रहे थे सपने की और आपको दादा दादी के बारे में ज्ञान देने लगे, क्योंकि आजकल के समय में ज्ञान सभी के पास है और कोई भी इंसान सलाह फ्री की सलाह लेना नहीं चाहता है। अगर आप एक सलाहकार है और आप अपनी सलाह का चार्ज लेने लग जाएंगे, तो आपके पास बहुत से लोग भुगतान करके सलाह लेने आएंगे। फ्री का ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता है। वैसे भी लोगों के पास ज्ञान की कोई कमी थोड़ी है, बस कमी तो ज्ञान को अपने ऊपर लागू करने की है। आपके पास भले ज्ञान कम हो, अगर आपके अंदर ज्ञान को अपने ऊपर लागू करने की क्षमता है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। बात करते हैं सपने की। दोस्तों, वर्तमान समय में आपकी दादी जीवित है और आप सपने में देखते हैं कि आप अपनी दादी के साथ खेल रहे हैं, तो ये सपना आपके लिए इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। अगर जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है, तो वो परेशानी दूर हो जाएगी और आप आने वाले दिनों में खुशनुमा जीवन गुजरने लगेंगे। इस प्रकार सपने में दादी के साथ खेलना शुभ संकेत देता है। अगर आपकी दादी जीवित नहीं है, उस दौरान आप सपने में खुद को अपनी दादी के साथ खेलते हुए नजर आते हैं, तो ये सपना आपके लिए एक सलाह का काम करता है। ये सपना बताता है कि वर्तमान समय में आपके जीवन से खुशी गायब हो चुकी है। आप सांसारिक कामों में इतने उलझ गए हैं, जिसके कारण आप अपनी खुशी को भूल चुके हैं। तो इस सपने के बाद आपको अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। बड़ी खुशी की जगह छोटी छोटी खुशियों को भी इंजॉय करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में खुशियां बनी रहे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।